ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନ ଆଗରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସୀତାରପୁରୁ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବରଦାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 175,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଦା ଫୁଟ ବାଟେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁବ୍ରତାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି PCC ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମ ଗହଳିରେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଚିଫ୍ ଗଣେଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କନ୍ଭେନର ନାୟକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। Respected and our very old beloved President of Orissa Congress, Niranjan Patnaik Sahab, Gyaneshwar Ji, Satya Prakash Ji from the Media Department, and my press colleague, friends, I have been a IMB minister also when the open sky policy was not there. मैं आज खास तौर पे एक विशेष टॉपिक पे आपसे बात करने आया और वो सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल यह है कि 1,75,000 करोड़ रुपए का पच्चीस हजार किलो हेरोइन बाजार में आज छाया हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा देश के युवाओं को नशे में ढकेलने का, भविष्य की सुपारी क्या मोदी सरकार नहीं ले रही है? ये जब मैं कह रहा हूं तो ये बाजार में ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है। दूसरा ये सवाल जो खुल के सामने आया, आप जानते हैं 13 सितंबर 2021 को अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया है वो पकड़ा गया। इसे सेमी टेलीकॉम कट के नाम से अफगानिस्तान से ईरान होते हुए हिंदुस्तान में अडानी मुद्रा पोर्ट पर आया। आप ये जानते हैं कि इस ड्रग में जो पकड़े गए कमीशन एजेंट के नाम पे वो सुधाकर मच्छरवरम एवं श्रीमती गोविंद राजू
वैष्णवी नाम का एक कपल पकड़ा गया जो एक्सेप्ट किया कि मुझे 4 लाख रुपए कमीशन एजेंट के तौर पे मिले। एक कंसाइनमेंट जो नहीं पकड़ा गया वो 1,75,000 करोड़ का था, जो दूसरा पकड़ा गया वो 21,000 करोड़ का पकड़ा गया।